अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है दोबारा से ड्रेस डिज़ाइनिंग की, तो चलिए देखते हैं। कुछ सूट स्टिच होकर आ चुके थे तो मैंने सोचा आपके साथ इनके आइडियाज शेयर कर लूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग के, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये ड्रेस है मारिया बी एफ प्रिंट्स 2022 कलेक्शन, ग्रीन कलर का सूट है। इसमें एम्ब्रॉयडरी दे रखी थी स्लीव्स पे, साथ ही मैंने डोरी पाइपिंग करवाई है शॉकिंग पिंक कलर की। नेक बिल्कुल प्लेन गोल रखा है यहाँ पर, पिंक कलर का ही मैंने कुंदन के बटन्स यहाँ लगाए हैं तीन, आप देख सकते हैं। ग्रीन अगर हम लगाते तो ये उठता नहीं, तो मैंने शॉकिंग पिंक कलर का लगाया है। नीचे दाम में कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। साथ ही मैं डोरी पाइपिंग करवाई है चाकू पे यहाँ। पीछे भी एज इट इज सेम प्रिंट है जो फ्रंट पे था इसका, पीछे भी गोल गला है सिंपल। अब आ जाते हैं इसकी ट्राउज़र की तरफ। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे इन्होंने दो पैचेस दे रखे थे, तो एक पैच जो पिंक कलर का था यहाँ मैंने स्लीव्स पे अटैच करवाया है, ये आप देख सकते हैं, और अंदर मैंने डोरी पाइपिंग करवाई है शॉकिंग पिंक। अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र में जो एक पैच इन्होंने दिया था तो वो मैंने नीचे अटैच करवाया है इसके पैंचों पर। पैंट के पैंट बिल्कुल प्लेन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। और आ जाते हैं इसके दुपट्टे की बात, तो इस पे प्योर का दुपट्टा है शॉकिंग पिंक कलर का, इसको मैंने फैशन पट्टी डोरी पाइपिंग करवाई है इसके अंदर शॉकिंग पिंक कलर की, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये सूट है मेरा सफायर का, लास्ट ईयर की कलेक्शन थी, इसमें मैंने कुछ नहीं करवाया है, पाइपिंग देकर गला बनवाया है। नेक तावीजी गला जिसको बोलते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने सीप के बटन्स डलवाए हैं, आप देख सकते हैं मोती है और ये नीचे सीप है ये, और इसके अंदर लेस अटैच करवाई है, ये देख सकते हैं आप, ये लेस भी अटैच करवाई है। साथ ही इसकी स्लीव्स में फिनिशिंग देने के लिए भी मैंने ये लेस अटैच करवाई है ग्रीन कलर की। इस पर नीचे आ जाएंगे तो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ मैंने लेस अटैच करवाई है चाकों पे और दामन पे, आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर की लेस अटैच करवाई है यहाँ पे मैंने। बैक की बात करें तो बैक भी इसका प्लेन प्रिंटेड है, डिजिटली प्रिंटेड है। इसका दुपट्टा प्रेस नहीं था तो मैं आप लोगों को मैंने शो नहीं किया। अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। तो ये जो सूट का की साइड में जो पट्टी दे रखी है इसको मैंने अपने प्लाजो पे अटैच करवाया है दोनों साइड से, साइडों में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तीसरे सूट की तरफ आते हैं। तीसरा सूट है मेरा खाड़ी का, आप देख सकते हैं मेरा तीसरा सूट है जी, देख सकते हैं ये खाड़ी का सूट है। इसमें मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है, देख सकते हैं आप, और इसको मैंने कौन सा गला बोलते हैं इसको, चाइनीज कॉलर बनवाया है इसके बिल्कुल। और स्लीव्स में पिंक कलर, प्याजी पिंक कलर की लेस अटैच करवाई है यहाँ पे, दाम चाकू पे करवाई है, दामन पे बॉर्डर दिया है इसके, इससे एक बिल्कुल ही अलग लुक आ रहा है पहनने पर। बैक इसकी प्लेन है बिल्कुल, इस पर कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र में मैंने एक दो तीन तीन जो है यहाँ पे आपने पिंटेक डलवाई है, फिर बीच में सीढ़ी लेस दिया है, फिर पिंटेक डलवाया है यहाँ पर, ये इसका ट्राउज़र है आप देख सकते हैं, प्लेन है। ब्लैक इसलिए अटैच करवाई क्योंकि गले में हमने जो चाइनीज कॉलर दिया था वो भी ब्लैक कलर की है इसके साथ। ये है इसका दुपट्टा जी, इसके दुपट्टे में सिंपली कुछ नहीं किया है, लेस अटैच करवाई है मैंने पिंक कलर की, जो सूट पे मैंने अटैच करवाई थी वही मैंने दुपट्टे पे अटैच करवा दिया है। अब आ जाते हैं आखिरी सूट की तरफ। ये सूट मेरा जाहा का है, पूरा
पूरा एम्ब्रॉयडर्ड सूट है ज़ाहा का, लास्ट ईयर की कलेक्शन पे था। यहाँ मैंने धामी ग्रीन कलर की पाइपिंग दी है, ये अलग अलग पैचेस में था। और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ प्लेट से प्लेट्स डलवाई, 1 2 3 4 5 इधर भी है, 1 2 3 4 5 इधर भी है, आप देख सकते हैं ये मैंने प्लेट्स डलवाई है। यहाँ पे पाइपिंग, डोरी पाइपिंग देने के बाद 5 प्लेट्स इधर करवाई है, यहाँ डोरी पाइपिंग देने के बाद यहाँ भी 5 प्लेट्स करवाई है ताकि एक सीक्वेंस में नजर आए, आप देख सकते हैं। इस पे कॉलर बनवाया है डबल पाइपिंग के साथ, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो देखिए मुझे दो डोरी पाइपिंग दिया है। और यहाँ पे मैंने बटन अटैच किए हैं, इसकी स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड थी, स्लीव बेल स्लीव्स रखी हैं मैंने, और ये कटिंग दी है यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी से कटिंग करवा दी है इसको। अच्छा, पीछे इसका जो एक अटैचमेंट बचा हुआ था तो यहाँ मैंने पीछे दामन पे लगा दिया, देखिए दामन की एक पट्टी बच रही थी तो ये मैंने दामन पे पीछे बैक साइड पे अटैच करवा दिया। इसका कुर्ता हो गया, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र में मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं, प्लेन वाइट ट्राउज़र है इसका, इसमें इसका जो बचा हुआ कपड़ा था इसकी प्लेट्स डलवाई है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स डलवाई हैं। फिर ये जो दामन का जो बचा हुआ था कपड़ा, ये मैंने 5-6 में इसके अटैच करवा दिया। अब आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा इसका ये बहुत ही कलरफुल सा है, लॉन का स्विस वॉयल है शायद, हाँ स्विस वॉयल है दुपट्टा। इसमें मैंने मल्टी कलर लेस लगाई है, आप देख सकते हैं, जिससे थोड़ा दुपट्टा हैवी हो जाए और लटकता हुआ रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।